निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन होगा? पहले ऑप्शन है मिहिर बोझ, बी है नागभट्ट, सी है वत्सराज और डी है महिपाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था आदिवराह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मिहिर बोझ के द्वारा धारण की गई थी। मिहिर बोझ के द्वारा आदिवराह की उपाधि धारण की गई थी और इसका जो उल्लेख है हमें किसमें मिलता है? ग्वालियर लेख के अंदर मिलता है। मिहिर बोझ की संपूर्ण जानकारी हमें ग्वालियर लेख से मिलती है। मिहिर बोझ ने आदिवराह और प्रभास पाटन की उपाधि ग्रहण की थी और उसने भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके गाइज, और जो मिहिर बोझ है इसकी इन्होंने कई नगरों के ऊपर विजय भी की है। इन्होंने अपनी विजय पताका भी फहराई है। कहाँ कहाँ पे? इन्होंने काबुल में भी अपनी विजय पताका फहराई है, सिंध के ऊपर भी इन्होंने अधिकार किया और उस राज्य को भी अपने राज्य के अंदर मिला लिया। तो सिंध के ऊपर भी इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई थी, फिर कश्मीर के ऊपर भी इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई है और सबसे बड़ी ये है कि इसने पाल वंश के शासक देवपाल को तथा विग्रहपाल को पराजित किया और कृष्णदित्य को पराजित करके इसने कन्नौज के ऊपर अधिकार किया तथा कन्नौज के ऊपर भी कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाई। तो इसने क्या, कन्नौज के ऊपर भी अपनी विजय पताका फहराई है। तो जो मिहिर बोझ है वो इम्पोर्टेंट शासक है किसमें? गुज्जर प्रतिहार शासकों के अंदर। तो